नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। वन विभाग द्वारा क्षेत्र के ग्राम गोबा में वन महोत्सव आयोजित किया गया। महोत्सव में क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत कटियार ने कहा कि सृष्टि को अक्षुण बनाए रखने के लिए धरती को पेड़ पौधों से अक्षांदित करना होगा, अन्यथा भविष्य में जीवन पर संकट खड़ा हो सकता है। ग्राम पंचायत गोवा पट्टी में आयोजित वन महोत्सव 2023 अंतर्गत विधायक श्री कटियार ने आज बुधवार को वन विभाग की भूमि पर छायादार और फलदार वृक्षों की एक दर्जन से अधिक पौधे रोपित कर वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने महोत्सव में मौजूद ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने ग्रामीणों से इस पुनीत यज्ञ में वृक्षारोपण रूपी आहुति डालने की पुरजोर अपील की है। श्री कटियार ने कहा कि पेड़ों की संख्या लगातार घटने से धरती पर मौसम और पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, जिससे बाढ़, सूखा, तूफान व अतिवृष्टि आदि दैवीय आपदाओं से मानव का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें भी चौपट हो रही हैं। इससे बचने का एकमात्र उपाय अधिक से अधिक वृक्षारोपण ही है। वन महोत्सव में राजेश कुमार, सुशील कन्नौजिया, लालेश अस्थाना, नीरज कुमार क्षेत्रीय वन अधिकारी, प्रदीप कुमार उप क्षेत्रीय वन अधिकारी, राजीव कुमार उप क्षेत्रीय वन अधिकारी व पप्पू यादव वन दरोगा सहित सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।